नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? आज हम कक्षा 9th तथा क्लास 10th की परीक्षा में जो प्रार्थना पत्र पूछा जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आपको परीक्षा में इस तरह से प्रार्थना पत्र पूछा जाता है। प्रश्न दिया होता है, मंजूषा में दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए मंजूषा, इस तरह की मंजूषा आपके पेपर में दी होती है जिसमें शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए प्रधानाचार्य को विद्यालय में प्रवेश की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। इस तरह से आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज का प्रार्थना पत्र है विद्यालय में प्रवेश की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र, कि आपने विद्यालय में स्कूल में एडमिशन लेनी है उसके लिए आपने प्रार्थना पत्र लिखना है। जो मंजूषा में दिए गए शब्द हैं उनको आपने जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनमें भरना है। तो इसे आप अच्छी तरह से समझें। देखिए, सेवायाम श्रीमंतः, श्रीमंतः यहाँ पे रिक्त स्थान है तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पे आप यहाँ पे आ की मात्रा लगाई हुई है, इसको नहीं लगाएंगे, यह लिखेंगे और विसर्ग लगाएंगे, महोदय। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबस, अब दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, मान्यवर, क्या लिखेंगे, मान्यवर। देखिए यहाँ पे उत्तर है इसके, इस तरह से यहाँ पे भरे हुए हैं ये उत्तर, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे लिखेंगे मान्यवर, तीसरे में भरेंगे मंजूषा से, ऊपर मंजूषा है उसमें शब्द दिया हुआ है, तीसरे में भरेंगे सविनयम निवेदनम इदम अस्ति यत अहम दसम कक्षायां 95% अंकान लब्ध्वा उत्तीर्ण जातः, कि मान्यवर सविनय निवेदन यह, इदम करते यह है कि अहम, मैं दसम कक्षायां, मैंने क्या किया है, दसवीं कक्षा में 95% अंक लब्ध्वा प्राप्त करके मैंने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, पास की है। कि सविनय निवेदन यह है कि मैंने दसवीं कक्षा 95% अंक प्राप्त करके पास की है, उत्तीर्ण की है। अस्माभिः स्वनिर्मिते गृहे, अस्माभिः हमने जो है स्वनिर्मिते गृहे अपने नए बनाए हुए घर में स्वनिर्मिते गृहे हयः ए प्रवेशः कृतः, कि हमने अपने बनाए हुए घर में हयः पिछले कल प्रवेश किया है। मम गृहं पूर्व विद्यालय इव, मेरे घर से पूर्व विद्यालय, पहले का जो विद्यालय है जो स्कूल है, इव पंचदश कोस पर्यंतम, वह पंचदश कोस पर्यंतम दूरे अस्ति, दूर है। अहम विज्ञान क्षेत्रे, मैं, अहम करते मैं, विज्ञान क्षेत्रे, विज्ञान के क्षेत्र में भवताम, आपके विद्यालय, विद्यालय में प्रवेशुम इच्छामि, प्रवेश लेना चाहता हूँ। कृपया मह्यम स्वीकृति प्रदाय, कृपया मुझे स्वीकृति दे करके, स्वीकृतिम प्रदाय अनुगृहणंतु, स्वीकृति प्रदान करके अनुगृहित करें। सधन्यवाद, धन्यवाद के साथ सधन्यवाद, भवताम आपका धन्यवाद, भवतः आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे नाम लिखा है मोहितः, परीक्षा में आपने जो नाम पत्र में होगा वही लिखना है, दिनांक और दिनांक लिखनी है। इस तरह से परीक्षा में आपसे रिक्त स्थानों में शब्दों को चुनकर भरने के लिए कहा जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको प्रार्थना पत्र अच्छी तरह से समझना है, तभी आप इसको अच्छी तरह से
भर पाएंगे। एक बार समझ लीजिए दोबारा, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय यहाँ लिखेंगे, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबस मान्यवर सविनयम निवेदनम इदम अस्ति यत अहम दसम कक्षायाम, यहाँ से दसम कक्षायाम 95% अंकान लब्ध्वा उत्तीर्ण जाता अस्माभिः स्वनिर्मिते स्वनिर्मिते गृहे, यहाँ से भरेंगे गृहे हय ए प्रवेश कृता मम गृहम पूर्व विद्यालय इव 15 कोस पर्यंतम दूरे, यहाँ पे भरेंगे दूरे ऊपर से दूरे अस्ति दूर है अहम विज्ञान क्षेत्रे, मैं विज्ञान के क्षेत्र में भवताम आपके विद्यालय विद्यालय में, यहाँ से भरेंगे विद्यालय विद्यालय में प्रवेशतुम इच्छामि प्रवेश लेना चाहता हूँ, कृपया मह्यम स्वीकृति कृपया मुझे स्वीकृति, यहाँ पे भरेंगे आप प्रदाय प्रदान करके अनुगृहणंतु अनुगृहित करें, स धन्यवाद यहाँ पे भरेंगे स धन्यवाद भवताम आपका धन्यवाद भवतः, आज्ञाकारी यहाँ से लिखेंगे आप आज्ञाकारी शिष्य मोहितः और दिनांक लिखेंगे। यह जो आपको प्रार्थना पत्र भरने के लिए आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आता है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको शब्दों को समझना अति आवश्यक है, तो अच्छी तरह से आप इन शब्दों को समझें, यदि समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करें क्या समझ नहीं आया मुझे बताएं, तो इस तरह से मंजूषा को देखें शब्दों को समझें प्रार्थना पत्र को समझें तभी आप अच्छे अंक ले सकेंगे। इस तरह से नीचे भी देख लीजिए ये यहाँ पे भरा हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी पर लिखें और लिखने के बाद देखें कि आप क्या रिक्त स्थानों को अपने आप भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं, तो आप इसका अभ्यास अवश्य करें, बहुत ही आसान है प्रार्थना पत्र से अंक लेना, क्योंकि इसमें आप अच्छी तरह अंक ले सकते हैं नंबर ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अभ्यास करना है, तो अभ्यास ज़रूर करें और अच्छे अंक लें, अच्छे अंकों के साथ आप परीक्षा उत्तीर्ण करें। धन्यवाद है।